नमस्कार, आपका स्वागत है माता जी की किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी प्याज की टेस्टी कोफ्ते। ये देखिए, हमने हरी प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। देखिए, अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच नमक। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हल्दी और 1 ही चम्मच मिर्च डाली मैंने। और ये देखिए, थोड़ा सा हींग है और थोड़ी सी अजवाइन है। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये देखिए, आधी चम्मच और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें काट के बारीक बारीक अदरक। ये देखिए, अब हम डालेंगे इसमें बेसन। देखिए, हमने इसमें डाले 3 बड़े चम्मच। ये देखिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको तलने जा रहे हैं। ये देखिए, हमारी कोफ्ते बनकर तैयार है। अब हम इनमें छौंक लगाएंगे। ये देखिए, हमने तेल चढ़ा दिया है, गरम हो चुका है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब हम डालेंगे इसमें प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। कोफ्ते की ग्रेवी के लिए इसमें थोड़ा सा बेसन डाला था, जिससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। 1 चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हल्दी, मिर्च। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हींग। अब ये देखिए, प्याज हमारी भुन गई है। अब हमने जो ये तैयार किया है वो यहाँ से डालेंगे।